नमस्ते, मैं हूँ आराधना और आज आपको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में बताने वाली हूँ। ये कंटेंट आपको आगे आने वाली स्लाइड के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर। इसमें ऑलरेडी प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है। इसमें इंस्ट्रक्शंस को सेव रहते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे मशीन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि 5 मिनट के बाद हमें कोई काम करना है, या फिर 4 बार ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद ये वॉल्व को ऑफ कर देना, या फिर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन होनी हो, या कोई लॉजिकल की अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वॉल्व को ओपन कर देना, वॉल्व को बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना, स्विच ऑन कर देना। मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे सबसे पहले लॉजिक कि अगर ऐसा होता है तो स्विच ऑफ कर दो, ऐसा नहीं होता है तो स्विच ऑन कर दो। दूसरा सीक्वेंसिंग कि शेड्यूल में ही होनी है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं इस प्रोग्रामेबल मेमोरी में, और उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस होते हैं जो कि मशीन में या किसी भी प्रोसेस में होने होते हैं। और ये नॉर्मली जिन इंजीनियर्स को लिमिटेड नॉलेज भी है कंप्यूटर्स की, ज़्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स की, वो भी ऑपरेट बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स हैं उसको चेंज नहीं करना है। जो PLC है उसके जो डिज़ाइनर्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी उसमें प्री प्रोग्रामिंग कर रखी है अब सिंपल फॉर्म की लैंग्वेज में। पहले से ही उन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उस PLC को कनेक्ट करना है। ठीक है, लॉजिक का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग है उसमें कुछ लॉजिक है कि ऐसा होगा तो, जैसे कि इफ ए और बी अकर्स स्विच ऑन सी, इफ ए एंड बी अकर्स स्विच ऑन डी। मतलब कि लॉजिक है, उस लॉजिक के बेस पे प्रोग्रामिंग की हुई है और उसके बेस पे कंट्रोल होता है। तो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि सेंसर जो कि मीटर करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे स्विचेस हो गए ना, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की मोटर या फिर बॉल्ब, ये सब जो है PLC से कनेक्ट रहते हैं। तो ऑपरेटर देन एंटर्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ए प्रोग्राम इन द मेमोरी ऑफ द PLC। एक प्रोग्राम जो है PLC का, उसको PLC की मेमोरी में एंटर कराया जाता है, और फिर कंट्रोलर इनपुट को मॉनिटर करता है और आउटपुट को अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम कंट्रोल करता है। फिगर दे रखा है PLC का, इनपुट एंट्री हो रही है, PLC प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आर यूज फॉर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग द इनपुट वॉल्व फ्रॉम सेंसर एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट फॉर द ऑपरेशन ऑफ एक्चुएटर बेस्ड ऑन द प्रोग्राम। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कंटिन्यूसली इनपुट को मॉनिटर करते हैं, तो सेंसर जो भी सेंसर लगे होते हैं, और फिर आउटपुट जो प्रोग्राम PLC में पहले से एंटर किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो PLC सिस्टम है उसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल का मतलब होता है पार्ट, मतलब कि जैसे ये आपका चैप्टर जो है PLC का, वो आपके पूरे सिलेबस का एक पार्ट है, यानी कि एक मॉड्यूल है। तो जो PLC सिस्टम है उसके 3 मॉड्यूल होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, CPU मॉड्यूल, पावर सप्लाई मॉड्यूल, और तीसरा एक या एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। CPU मॉड्यूल, CPU जैसे कि पता है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU मॉड्यूल में सेंट्रल प्रोसेसर होता है और मेमोरी होती है। ये जो होता है, जितनी भी नेसेसरी कंप्यूटेशन करनी होती है, गणनाएँ करनी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाटा की प्रोसेसिंग के लिए इनपुट को एक्सेप्ट करना और आउटपुट को प्रोड्यूस करना, इस सब के लिए CPU मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके पावर सप्लाई मॉड्यूल, मतलब पावर सप्लाई करना, तो दिस मॉड्यूल सप्लाइज द रिक्वायर्ड पावर टू द होल सिस्टम
by converting the available AC power to DC power. AC को DC में चेंज करता है जो कि CPU को रिक्वायरमेंट रहती है या फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को रिक्वायरमेंट रहती है तो AC पावर को DC पावर में चेंज करता है. द 5 वोल्ट DC आउटपुट ड्राइव द कंप्यूटर सर्किट. 5 वोल्ट DC आउटपुट रिक्वायर्ड रहता है. इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल. इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स ऑफ द PLC आर used to connect the sensors and actuators to the system to sense the various parameters. So, जो आपका दो चीजों का इसमें बात की गई है सेंसर और एक्चुएटर. तो इनपुट डिवाइस जनरली आपकी सेंसर्स होती हैं. सेंसर मतलब जो भी चीज को हमें कंट्रोल करना है उसे हम मीजर करेंगे सेंस करेंगे तो वो जो डिवाइस होती है वो सेंसर कहलाती है. और एक्चुएटर वो डिवाइस होती है जो किसी भी चेंज के अकॉर्डिंगली तुरंत रिएक्ट करता है. यहाँ पे इनपुट एंटर हुआ PLC में प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसमें चेंज हुआ और उस चीज पे एक्चुएटर ने तुरंत रिएक्ट किया तो वो हो गई आउटपुट डिवाइस. तो ये दोनों डिवाइस यूज होती हैं और सेंस करती हैं वेरियस पैरामीटर जैसे कि जिन्हें हमें कंट्रोल करना है या कर सकते हैं जैसे टेम्परेचर प्रेशर फ्लो एक्सेट्रा. दीज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आर ऑफ टू टाइप डिजिटल एंड एनालॉग. कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल. कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल जनरली वर्क एज द कनेक्शन डिवाइस एज अ कनेक्शन बिटवीन CPU एंड अ कम्युनिकेशन नेटवर्क. कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक बिटवीन PLC एंड अदर PLC या फिर बिटवीन PLC एंड अदर कंप्यूटर दैट इज वेरी फार अवे प्लेस दैट रिमोट प्लेस बहुत दूर है. कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल यूज होते हैं. The program in the CPU for PLC consists of operating system and user program. दो पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टास्क और ऑपरेशन करता है जैसे कि स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के और स्टार्टिंग स्टॉपिंग स्टोरेज एरिया एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. और जो यूजर प्रोग्राम है वो टास्क को कंट्रोल करता है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट स्टॉप स्टोरेज एरिया कितना है कम्युनिकेशन कैसे करना है वो उसको डील करता है. और जो यूजर प्रोग्राम है वो टास्क को कंट्रोल करता है. द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द PLC कैन बी अंडरस्टूड विद द साइक्लिक स्कैनिंग. साइक्लिक स्कैनिंग मतलब जो ऑपरेशन है वो साइक्लिक में होता है तो उसको स्कैन करने का प्रोसेस साइक्लिक स्कैनिंग यानी कि जिसे हम स्कैन साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि नीचे दिया हुआ है PLC स्कैन साइकिल. बहुत ही आसान से शब्दों में दिया है ये CPU क्योंकि सब चीज़ें करता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. तो फर्स्ट स्टेप है दैट CPU स्टार्ट साइकिलिंग एंड टाइम मॉनिटरिंग. टाइम मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है साइकिल स्टार्ट हो जाता है. सेकंड पॉइंट सेकंड स्टेप इट रीड डाटा फ्रॉम इनपुट मॉड्यूल. जो भी इनपुट है वो इनपुट मॉड्यूल से रीड करता है. थर्ड स्टेप है यूजर प्रोग्राम वर्किंग. तो वर्किंग क्या है CPU स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज रिटेन इन PLC लैंग्वेज मतलब जो भी PLC की लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है CPU. एंड द सेकेंड थिंग इज CPU स्टार्ट इन डायग्नोसिस इंटरनल डायग्नोसिस एंड कम्युनिकेशन टास्क. आफ्टर दैट कंट्रोल हो गया आउटपुट तो जो भी आउटपुट हुआ उसका डाटा उसने आउटपुट मॉड्यूल में लिख दिया हमको आउटपुट मिल गया. और ये टास्क आपका तब तक चलता रहेगा जब तक PLC रनिंग कंडीशन में रहेगा. तो जनरल आइडिया लेने के लिए कि PLC कैसे ऑपरेट करता है यहाँ पे सिंपल मिक्सर प्रोसेस कंट्रोल फिगर में यहाँ पे शो किया गया है. यहाँ पे दो पैरामीटर कंट्रोल हो रहे हैं क्या प्रेशर और एक है टेम्परेचर. तो पहले प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं हमें जो भी करना है जिसकी प्रीसेट वैल्यू पे हमें सेट करना है वो हम करते हैं. प्रेशर सेंस से प्रेशर सेंस होता है टेम्परेचर सेंस से टेम्परेचर सेंस होता है. तो जैसे ये दोनों प्रीसेट वैल्यू पे पहुंच जाते हैं मोटर स्टार्ट हो जाती है मिक्सर मोटर जो कि स्केप करती है लिक्विड में. इसके बाद प्रेशर सेंसर स्विच है और एक टेम्परेचर सेंसर स्विच है. जैसे ही रिसेट वैल्यू पे पहुंच जाता है प्रेशर और टेम्परेचर वैसे ये दोनों स्विचेस क्लोज हो जाते हैं. इसके अलावा एक मैनुअल पुश बटन है जो पंप को ऑन करने के लिए पंप की वर्किंग के लिए यहाँ पे है.
सबसे पहले जो इनपुट डिवाइसेज हैं जैसे कि प्रेशर सेंसर स्विच, टेम्परेचर सेंसर स्विच एंड मैनुअल पुश बटन, उनको हम एप्रोप्रिएट इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट कर देते हैं, हार्ड वायर्ड कर देते हैं। और इसी तरीके से जो आउटपुट डिवाइस है जैसे कि मोटर कॉइल, इसको हम एक एप्रोप्रिएट आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद PLC में जो भी प्रोग्राम है ऑलरेडी रिटेन है उसके अकॉर्डिंगली वो इनपुट मॉड्यूल के इनपुट को रीड करके उसको एप्रोप्रिएट आउटपुट में अपडेट कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। देन बोथ द प्रेशर एंड टेम्परेचर स्विचेस गेट एनर्जाइज, मतलब जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ बटन ऑन कर दिया जाता है वैसे ही PLC ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो मोटर स्टार्टर कॉइल को एनर्जाइज कर देता है और उसके बाद स्टार्टिंग एक्शन होने लगता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट है वो अपडेट हो जाती है। तो ये दिया हुआ आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग कंट्रोलर, आर्किटेक्चर ऑफ अ PLC। तो इसमें है CPU और CPU में है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट सर्किट स्विच। CPU में एक क्लॉक प्रोवाइड की गई है जिसकी फ्रिक्वेंसी लगभग है 128 MHz। ये क्लॉक क्या प्रोवाइड करती है, ये टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स, मतलब कितने टाइम में प्रोग्राम को कंप्लीट करना है वो टाइमिंग की क्लॉक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम के थ्रू वो आगे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ जो पाथ होता है उस पाथ को हम बस कहते हैं। और ये बस में जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में होती है। ये बसेस कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, कुछ कंडक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिनके थ्रू पास होते हैं। हो सकता है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो या फिर केबल वायर। CPU यूजेस द डाटा बस फॉर सेंडिंग डाटा इन द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। जो बस है ये चार टाइप की होती है, पहले डाटा बस डाटा सेंड करती है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। उसके बाद है एड्रेस बस, ये एड्रेस सेंड करती है, एड्रेस किस चीज का, स्टोर डाटा की लोकेशन सेंड करने के लिए। तीसरा कंट्रोल बस, वो सिग्नल कम्युनिकेट करती है, सिग्नल रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल एक्शन। और फोर्थ है सिस्टम बस, और ये जो है ये कम्युनिकेशन के लिए है बिटवीन इनपुट आउटपुट पोर्ट या फिर हम इनपुट आउटपुट यूनिट। CPU, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द CPU डिपेंड्स ऑन द माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल। CPU का मेन पार्ट है माइक्रोप्रोसेसर। इन जनरल दे हैव अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड कैरिंग आउट अर्थमेटिक ऑपरेशन। डाटा मैनिपुलेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए ALU होती है, ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर लॉजिक ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट एक्सेट्रा। सेकेंड थिंग उसमें होती है मेमोरी, मेमोरी मतलब कि मेमोरी टर्म रजिस्टर्स, मेमोरी मतलब रजिस्टर जिसमें सारा मेमोरी लिखा होता है, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे है। लोकेटेड विद इन द माइक्रो प्रोसेसर एंड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लास्ट थिंग कंट्रोल यूनिट विच इज यूज टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन। बसेस के बारे में बता चुकी हूँ, चार तरीके की होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड सिस्टम बस। बसेस आर द फास्ट यूज फॉर कम्युनिकेशन विद द PLC। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में होता है, जैसे कि एज अ ग्रुप ऑफ बिट्स, बिट अ बिट बीइंग अ बाइनरी डिजिट ऑफ 1 or 0, या तो ऑन स्टेट या फिर ऑफ स्टेट। द टर्म वर्ड इज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ बिट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सम इंफॉर्मेशन।
डजन 8-bit वर्ड बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर अगर 8-bit का है तो यानी कि 8 डिजिट होंगे उसमें, लेकिन वो बाइनरी फॉर्म में होंगी या तो 0 या फिर 1। ईच ऑफ द बिट्स इज कम्युनिकेटेड साइमल्टेनियसली अलोंग विद ओन पैरेलल पायर। और बाकी मैंने बताया ही आपको कि सिस्टम में चार टाइप की बसेस होती हैं। तो जैसे कि एक शहर में बहुत सारे घर होते हैं, उनकी अलग अलग लोकेशन होती है, उसकी जगह यहाँ पे डाटा की अलग अलग लोकेशन होती है। तो जो एड्रेस बस होती है इट कैरीज द इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग विच एड्रेस टू बी एक्सेस, मतलब कि हमें जो भी डाटा हमें डाटा हमें चाहिए वो एड्रेस पर हमें बताएगी कि उस एड्रेस पे लोकेशन है, उस लोकेशन पे लोकेटेड है, तो आप वहाँ पे जाइए। देर आर सेवरल मेमोरी एलिमेंट्स इन अ पीएलसी सिस्टम। बहुत तरह की मेमोरी होती है, पहली है रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट स्टोरेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यानी कि फिक्स डाटा यूज बाय द सीपीयू। सेकेंड इज रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर द यूजर प्रोग्राम, यानी कि फॉर कंट्रोलिंग द टास्क। थर्ड इज रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर डाटा, मतलब कि यहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है ऑन द स्टेटस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड द वैल्यूज ऑफ टाइमर्स एंड काउंटर्स एंड अदर इंटरनल डिवाइसेस, मतलब जो भी डिवाइसेस हैं कनेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या कोई भी अदर इंटरनल डिवाइसेस, उनका डाटा यहाँ पे स्टोर रहता है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर डाटा। एंड द डाटा रैम इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ डाटा टेबल और रजिस्टर। द लास्ट वन इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी से ईप ओनली बोलते हैं। तो जैसे कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी जब तक उसे हम सेव नहीं करते तब तक वो परमानेंट नहीं होता, तो जब तक हम उसे सेव नहीं करते तब तक वो जहाँ स्टोर रहता है वो जो मेमोरी होती है वो भी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसे हम इरेज भी कर सकते हैं और आगे हम उसका और एडिट भी कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट ही कनेक्शन है बिटवीन द सिस्टम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट जब सेंस होगा तब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर वो आउटपुट को हम फिर आउटसाइड वर्ल्ड में भेजेंगे। तो एक कनेक्शन होते हैं बिटवीन द सिस्टम एंड आउटसाइड वर्ल्ड। अलाउइंग फॉर कनेक्शन टू बी मेड टू इनपुट आउटपुट चैनल, इनपुट डिवाइसेज सच एज सेंसर एंड आउटपुट डिवाइसेज सच एज मोटर एंड कूलर। इनपुट और आउटपुट यूनिट ही होती है जिसके थ्रू प्रोग्राम प्रोग्राम पैनल में एंटर करती है, और हर इनपुट आउटपुट पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। आउटपुट को हम तीन तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, रिले टाइप, ट्रांसमिशन टाइप या फिर ट्राइप टाइप। पहला है रिले टाइप। तो रिले टाइप में क्या होता है, द पीएलसी आउटपुट इज यूज टू ऑपरेट अ रिले। रिले क्या करता है, इट इज एबल टू स्विच करेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू एम्पियर इन एन एक्सटर्नल सर्किट, मतलब पीएलसी में जो करंट है ऑफ अ फ्यू एम्पियर उसको एक एक्सटर्नल सर्किट में स्विच कर देता है। तो द रिले नॉट ओनली अलाउ स्मॉल करेंट टू स्विच मच लार्जर करेंट बट ऑल्सो आइसोलेट द पीएलसी फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, जो पीएलसी है उसको एक्सटर्नल सर्किट से आइसोलेट भी कर देता है। आइसोलेट क्या होता है ये आपको पता होगा, मतलब कोई कोई इफेक्ट ना पड़े एक्सटर्नल सर्किट से, पीएलसी को कोई इफेक्ट ना पड़े, तो बहुत स्लोली ऑपरेट करते हैं और एसी एंड डीसी स्विचिंग के लिए सुटेबल होते हैं एंड दे कैन विथस्टैंड हाई सर्ज करंट एंड वोल्टेज ट्रांजिशन। सेकेंड इज ट्रांजिस्टर टाइप। ट्रांजिस्टर क्या करता है, किसी भी करंट को एम्पलीफाई करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इलेक्ट्रिक पावर को एम्पलीफाई करता है। तो द ट्रांजिस्टर टाइप ऑफ आउटपुट यूजेस अ ट्रांजिस्टर टू स्विच करेंट फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, दिस गिव्स अ कंसिडरेबली फास्टर स्विचिंग एक्शन। ये कंपैरेटिवली रिले के फास्टर एक्शन करता है। इट इज हाउएवर सिटी फॉर डीसी, जो रिले टाइप था वो दोनों के लिए सुटेबल था एसी एंड डीसी स्विचिंग, बट ये जो है ये सिर्फ डीसी के लिए है। इट इज हाउएवर स्ट्रिक्टली फॉर डीसी स्विचिंग एंड इज डिस्ट्रॉयड बाय ओवर करंट, ज़्यादा करंट हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट रिले के साथ ऐसा नहीं था, दे कैन विथस्टैंड हाई सर्ज करंट। एंड ये जो है ट्रांजिस्टर टाइप, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय ओवर करंट एंड हाई रिवर्स वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एज अ प्रोटेक्शन आइदर अ फ्यूज और बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन आर यूज, एक फ्यूज यूज किया जाता है वहाँ पे। और आइसोलेशन के लिए ऑप्टो
ऑप्टो आइसोलेटर यूज होते हैं। तीसरा है ट्रैक आउटपुट। तो ऑप्टो आइसोलेटर यूज किए जाते हैं आइसोलेशन के लिए। कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सटर्नल लोड विच आर कनेक्टेड टू द एसी पावर सप्लाई। और ये जो है चक्की एसी ऑपरेशन के लिए है और ओवर करंट से बहुत से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसमें भी फ्यूजेस हमेशा यूज किए जाते हैं आउटपुट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोर्सिंग एंड सिंकिंग यहाँ दो टर्म्स यूज हो रही हैं जो कि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे डीसी डिवाइसेज का कनेक्टेड हुआ पीएलसी। तो अगर हम फिगर 4A की बात करें, सोर्सिंग की हम बात करें, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है इनपुट मॉड्यूल से इनपुट डिवाइस की तरफ इंटर कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन जनरली होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है इनपुट मॉड्यूल को, वो सोर्सिंग एजेंट हो गया। इसी तरीके से फिगर बी की बात करें तो आउटपुट मॉड्यूल से आउटपुट लोड की तरफ करंट जा रहा है तो वो यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल सोर्सिंग एजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम सिंकिंग की बात करें तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो हम इनपुट डिवाइस टू इनपुट मॉड्यूल इन द कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल करंट ले रहा है तो इनपुट मॉड्यूल सिंकिंग एजेंट हो गया। इसी तरह से फिगर 5B में जो करंट है वो आउटपुट लोड से आउटपुट मॉड्यूल की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे सिंकिंग एजेंट हो गया आपका आउटपुट मॉड्यूल। प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, तो प्रोग्रामेबल कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग डिवाइस होगी, तभी तो प्रोग्राम होगा। वो तीन तरह के हो सकती है, हैंड हेल्ड, डेस्कटॉप कंट्रोल या फिर पर्सनल कंप्यूटर। तो हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हैंड हेल्ड है तो उनको मूवेबल होंगी, एक जगह दूसरी जगह जा सकती होंगी। उनमें इनफ मेमोरी होनी चाहिए और इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि जो प्रोग्राम हमें चाहिए कंट्रोल करने के लिए वो प्रोग्राम उसमें आ सके और एक जिससे कि वो डिवाइस को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मतलब उसमें इतनी मेमोरी है कि आपका रिक्वायर्ड प्रोग्राम उसमें आ पा रहा है। दूसरा डेस्कटॉप कंट्रोल, पूरा उसमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फुल कीबोर्ड और स्क्रीन, सब चीज़ें होंगी। लास्ट है पर्सनल कंप्यूटर, बेस्ट होते हैं वो, इसे हम प्रोग्राम डेवलपमेंट वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हम जो भी प्रोग्राम बन रहा है उसे हम स्टोर कर सकते हैं और उसकी हम बहुत सारी कॉपीज भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ PLC, तो नीचे जो तीन नाम दे रखे हैं मित्सुबिशी, सीमेंस, रॉकवेल ऑटोमेशन, ये सब ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज हैं, तो उनके जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो PLC के लिए यूज करते हैं वो दे रखे हैं। मित्सुबिशी एंड वॉल्सॉफ्ट, सीमेंस एप सीमेटिक टेक्सेवन एंड रॉकवेल ऑटोमेशन है RS लॉजिक। एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, अब PLC बहुत सारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में यूज हो सकते हैं, होते हैं, जैसे कि कैपिटल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजीज में इसका यूज़ है, फंक्शनैलिटी है, एप्लीकेशन है, तो इसका स्कोप PLC का दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम ग्लास इंडस्ट्री की बात करें तो 1980 से ग्लास इंडस्ट्री में इनका यूज होता चला जा रहा है और ये असेंबल होते ही जा रहे हैं बिट बाय बिट। ये मेनली हर प्रोसीजर में, हर वर्कशॉप में यूज होते हैं, क्योंकि जैसे ग्लास बनाना है तो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है उसका रेशियो कुछ रखना है वो कंट्रोल करने के लिए, या फ्लैटनिंग करनी है आपको ग्लास की, तो वो प्रोसेसिंग के वो कंट्रोल करने के लिए PLC का यूज होगा। अच्छा, ग्लास प्रोडक्शन के लिए बस टेक्नोलॉजी यूज होती है टू कंस्ट्रक्ट द कंट्रोल मोड ऑफ अ PLC विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, दिस कंट्रोल सिस्टम डील्स विद एनालॉग कंट्रोलिंग एंड डाटा रिकॉर्डिंग। द PLC इज ऑल्सो यूज फॉर डिजिटल क्वालिटी कंट्रोल एंड पोजिशन कंट्रोल। अब क्योंकि कंट्रोल मोड ऑफ अ PLC विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यूज हो रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल मोड इज अ बिग एडवांटेज फॉर PLC एंड DTS फॉर इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ PLC इन सीमेंट इंडस्ट्री, अलॉन्ग विद द बेस्ट क्वालिटी रॉ मटीरियल द एक्यूरेट डाटा रिगार्डिंग प्रोसेस वेरिएबल्स स्पेशली ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेसेस विद इन द प्लेन इंश्योर दैट द आउटपुट प्रोवाइडेड शुड बी ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी। अब क्योंकि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल है, प्रोसेस वेरिएबल के रिगार्डिंग ही एक्यूरेट डाटा है, एक्यूरेट डाटा तब भी हमारे पास जबकि मिक्सिंग प्रोसेस हो रहा है क्लेन में, तो हमें फिर आउटपुट भी हमें बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी का मिलना चाहिए। तो आजकल DCS विद बस टेक्नोलॉजी इज यूज इन द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री।
and by using this existing DCS control system, the PLC is in user mode of SCADA. SCADA होता है आपका supervisory control and data acquisition. मतलब कि ये होता है आपका एक कंप्यूटर सिस्टम फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रियल टाइम डाटा. दिस मोड कंप्राइजेस पीएलसी एंड कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर. दिस एसीएडीए मोड कंप्राइजेस द पीएलसी एंड होस्ट कंप्यूटर. अब होस्ट कंप्यूटर क्या है? द होस्ट कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ स्लेव एंड मास्टर स्टेशन. द पीएलसी इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द बॉल मिलिंग, शेफ क्लीन एंड क्लीन ऑफ होस्ट. गुड लक.